ओम शांति। आप सबको स्वागत है। भैया दूज कहें, भाई टीका कहें, इसमें बहुत बिजी होने के कारण कल का और आज का वरदान आपको एक ही बार में डबल डोज मिलने वाली है। तो आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं कि हमें क्रोध के ऊपर आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मैं दो दो वरदान एक दिन लोड करूंगा। क्यों ना गुस्सा होना है उसको आप समझें आज। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में हम क्रोध क्यों ना करें। तो ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भवा। तो ये ब्राह्मण जीवन है क्या? जिसने तीनों लोगों को पहचान लिया वो हो गया ब्राह्मण, जिसने स्वयं को पहचान लिया वो हो गया ब्राह्मण कि मैं कौन हूँ, जिसने परमात्मा कौन है उनको पहचान लिया तो हो गया ब्राह्मण, जिसने ये पहचान लिया कि परमात्मा की रचना कैसे हुई है, चक्र कैसे चलता है, 84 का, 84 जन्मों का चक्र, लाखों का नहीं, 84 जन्मों का चक्र कैसे चलता है, वो हो गया ब्राह्मण। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप पहचान जाएं तो आप ब्राह्मण होते हैं। जो सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता है, मेडिटेशन करता है, परमात्मा को याद करता है, वो हो गया ब्राह्मण। तो लेकिन आगे चलते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भवा। अब माया के अंडर एक पार्ट आता है क्रोध, वो भी है माया का पार्ट। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, आप सुन रहे हैं, अगर आप बीके हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, तो परमात्मा कहते हैं आपके लिए और मेरे लिए कि अगर ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। और ब्राह्मणों को क्रोध कहाँ आता है? जब वो देखते हैं औरों के अंदर खामियां। ब्राह्मणों को क्रोध कब आता है? जब वो देखते हैं कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, यज्ञ ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी इनकी वजह से नहीं चल रहा है, ये टाइम पे आए तो ठीक चले, ये सही टाइम पे ये काम करे तो ठीक चले, इनको अभी तक बोला अभी तक काम नहीं किया, मैं इतनी सेवा में लगा हुआ हूँ लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक से, क्रोध आता है। औरों की कमी कमजोरियां देख करके क्रोध ज्यादा आता है हम ब्राह्मणों को। तो परमात्मा कहते हैं इसको क्या करना है, भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अगर आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है और कोई आपको पॉइंट आउट कर दे वो चीज के बारे में, तो आपको क्रोध आ नहीं सकता क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आपके अंदर ये कमियां हैं और किसी ने आकर के आपको पिन पॉइंट कर दिया तो आपकी ईगो हर्ट और आपको क्रोध आएगा। तो इसलिए अपने आपको पहचानना जरूरी है, उसके लिए मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। क्रोध ऐसा नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल यही मान्यता है ना कि अगर क्रोध नहीं करेंगे तो लोग आपको इजी नहीं लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो लोग आपको पीछे से मजाक उड़ाएंगे, आपको सीरियस नहीं लेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, काम कैसे होगा। ठीक है, आपने काम करवा लिया लेकिन आपका भी काम बिगड़ गया, सेहत बिगड़ी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, कॉरोनरी डिजीज, ब्रेन के ट्यूमर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे असंतुष्टता की बीमारियां जो कि होती हैं, डायबिटीज वो भी होती है क्रोध करने से ज्यादा, और अल्सर्स हो जाते हैं क्रोध करने से ज्यादा, और लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है क्रोध करने से ज्यादा, फैट बढ़ सकता है बॉडी में क्रोध करने से ज्यादा, बहुत सारी चीजें। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? हाँ, उसके लिए अगर आपको समझना है तो हमारे सेशंस होते रहते हैं हर सैटरडे 5 बजे से 6:30 बजे तक। हर सैटरडे आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को सुनेंगे, कोई स्पीकर्स आपको हेल्थ से रिलेटेड बताएंगे, कोई आपको मेंटल रिलेटेड बताएंगे, कोई आपको वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में बताएंगे, कोई आपको आपको मेडिटेशन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हर सेशन में थोड़ी बहुत मेडिटेशन आती है, आप जरूर अटेंड करें। अगर आपको नहीं पता है कैसे अटेंड करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। कैसे करेंगे? अगर आप व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज करें, और अगर आप ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज करें, अगर आपने फेसबुक में ये पाया है तो भी आप मुझे मैसेज करें उसी प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ते हैं। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और अगर आप क्रोध करते हैं, अगर आप बॉसीनेस दिखाते हैं किसी को, तो आप लीडर नहीं बन सकते हैं। ये आज दुनिया पसंद नहीं करती है, कोई सबॉर्डिनेट, कोई आपका जूनियर, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, एनजीओ में हो, कोई भी आज स्वीकार नहीं करेगा कि आप उसको औरों के सामने नीचे दिखाएं या आप उसको आकर के झाड़ें, जिसको हम क्रोध कहते हैं। तो किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीजें नहीं चल सकती हैं आज। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि काम बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। क्या करने से? शांति पूर्वक अगर हम करें और आत्मिक प्यार से अगर हम उसी को करें, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा ना। ये चीज तो हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं, आप भी जाकर के ब्रह्म कुमारीज में ये महत्वपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं कि मैं कैसे इस नॉलेज को यूज करूं। तो कोई अगर आपके ऊपर क्रोध करता है और अगर आपने
उस चीज को स्वीकार कर लिया, ये तो वही बात होगी ना कि कोई आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे वायरस डालने की कोशिश करता है और आप उसको अलाउ करते हैं वायरस डालने के लिए, करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार से आपका मन भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लोग अगर क्रोध करके आपके अंदर दुख डालने की कोशिश करते हैं तो आप क्यों बोलते हैं हाँ जी स्वीकार क्यों करते हैं आप? क्यों? क्योंकि हमारे पास में फायरवॉल नहीं है, एंटीवायरस नहीं है। फायरवॉल क्या है? हमारे पास में भी एक वॉल होनी चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए जिसको पार ना कर पाए ना किसी का इंसल्ट ना किसी की बुरी बातें। वो फायरवॉल तभी होती है जबकि हम परमात्मा की याद की अग्नि में, फायर में जब हम जलते हैं तो एक वॉल बन जाती है हमारे आसपास, जिसको हम कह सकते हैं फायरवॉल, जो कि हमें स्व के अंदर इतनी शक्ति देती है, स्व के अंदर इतना मान देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हमारी कि औरों की बातें हमें कड़वी नहीं लगती हैं। यही चीज़ तो सिखाएंगे आपको सैटरडे को, और अगर आप ब्रह्म कुमारी सेंटर आसपास में जा सकते हैं तो और भी अच्छा। फिर परमात्मा कहते हैं कार्य ठीक हो जाता है, इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार, विकार मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा वायरस, बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा सिन, विकार समझकर या कोई बहुत बड़ी बुराई समझकर मायाजीत क्रोध मुक्त बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दीपावली नहीं दिवाला निकल जाएगा। लोगों के बिजनेसेस गिर जाते हैं, लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो जाती हैं, लोगों की फैमिलीज खत्म हो जाती हैं। अग्नि हर चीज को जला देती, कौन सी? क्रोध की अग्नि। इसलिए दिवाली मनाए ना कि दिवाला मनाए अपना। इसके साथ ओम शांति।